रहा है बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है। श्री डूंगरगढ़ में हाईवे पर हादसा हुआ है, कंटेनर ट्रक की बॉडी में आग लग गई, एक के जिंदा जलने से मौत हो गई है। नगर पालिका की दमकल ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। श्री डूंगरगढ़ जयपुर रोड पर किटासर गांव के पास ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, तो वहीं चालक की इस हादसे में मौत हो गई है। तो तस्वीरें ब्लर करके दिखानी पड़ रही है, क्योंकि ये तस्वीर दिखाने लायक नहीं है, जहां पर पूरी तरह से झुलसने से चालक की मौत हो गई है। नगर पालिका के दमकल ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची हुई है और पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। कंटेनर ट्रक की बॉडी में आग लगी और इसके बाद ये आग धीरे धीरे फैलती चली गई। सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, शव की शिनाख्तगी हो सकी है क्या? कौन था चालक और ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, जो चालक है उसकी शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस को इतना ही मालूम चल पाया कि ये चतर सिंह नाम का व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा था, और हादसा जो है वो होने की बात जो है उसमें ये सामने आया है कि जो ड्राइवर है वो सड़क के किनारे गाड़ी को खड़ी करके सो रहा था, और उसी दरमियान जो है कोई शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों से कैबिन में आग लग गई और उसमें वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। अभी मौके पर क्या स्थिति है विक्रम, क्या मलबे को वहां से हटा दिया गया है? अब फिलहाल जो है दमकल विभाग ने आग को पूरी तरह से काबू करके और ट्रक को जो है साइड में करवा दिया है, और जो पुलिस है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी से पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये कहां का रहने वाला है और कहां ये जाने वाला था। जी ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा हो गया है। तेल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई, टैंकर पलटने से आग लगी। पिंडवाड़ा से उदयपुर की तरफ ये टैंकर जा रहा था, चालक को झपकी आने से टैंकर पलट गया। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है, बेकरिया थाने के पास की घटना है। घटना के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झपकी आने से ये बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि चालक को नींद आ रही थी और झपकी लेने के दौरान ये टैंकर पलट गया। पलटते ही टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूर दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया, तो वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी है सूचना मिलते ही, और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। तो बेकरिया थाने के पास ये घटना घटी है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग लग गई। पिंडवाड़ा से उदयपुर की तरफ ये टैंकर जा रहा था और इसी दौरान बीच रास्ते में चालक को झपकी आ गई और इससे ये टैंकर पलट गया। झपकी आने से ये भीषण हादसा हो गया, जिसमें पूरा का पूरा टैंकर जलकर राख हो गया है। दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया, कई घंटों तक इस टैंकर में आग लगी रही। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर ये भीषण हादसा हुआ है, जहां पर टैंकर पलटा और उसके बाद इसमें भीषण आग लग गई, क्योंकि इस टैंकर में तेल भरा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और कुछ ही सेकंड्स में पूरे के पूरे टैंकर को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। टैंकर इस हादसे में पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गया है। इस टैंकर में तेल भरा हुआ था। और अलवर के भिवाड़ी से बड़ी खबर है, जहां फूलबाग के स्माइल कॉलोनी में बदमाशों का तांडव देखने को मिला। गज्जू गैंग के नाम पर अज्ञात बदमाशों ने रंगदारी के लिए घर में घुसकर उत्पात मचाया, साथ ही फायरिंग भी की गई। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। 6 से ज्यादा बदमाश लाठी डंडे से लैस होकर स्माइल कॉलोनी में घुसे, जमकर उत्पात मचाया और रंगदारी के लिए फायरिंग भी की। बदमाशों ने चेतावनी दी है कि उन्हें हर महीने 70,000 की रंगदारी नहीं दी गई तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यही लगता है कि कोई या तो कोई पुरानी रंजिश हो सकती है, ये जो लोग आए थे इनमें से किसी को जानता नहीं है, तो अभी ये भी बताने में सक्षम नहीं है कि कौन लोग थे क्या थे। ये तो अचानक आए थे 2-3 गाड़ी में, गोली चालू कर दिया। कितने राउंड फायरिंग? राउंड 4-5 राउंड करे थे। क्या कोई पहले से दुश्मनी है या क्या? हमारे कोई दुश्मनी ना आई। कौन कौन लोग थे किसी भी सके? हम पिछाड़ते नहीं उनको, लेकिन जो करवाणिया उनने जानते। तो घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है, जहां पर
बदमाशों के तांडव से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ। तीन कार में छह बदमाश सवार होकर पहुंचे। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कार से बदमाश पहुंचते हैं, धमकी देते हैं, फायरिंग भी करते हैं, रंगदारी मांगते हैं। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की ओर से? जी सारी पुलिस की ओर से ढाई दिनों में चले अढ़ाई कोस वाली कहानी है, वो चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। गुवाहाटी पुलिस लगातार इस तरीके के मामले पूर्व में भी सामने आते हुए रहे हैं, लेकिन जो बदमाश हैं वो लगातार इस घटनाओं को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। बीती रात आधा दर्जन से अधिक बदमाश आते हैं और तीन अलग अलग गाड़ियों में आने के बाद जो निजी कॉलोनी संचालक है उनके वहां पर आकर के फायरिंग करते हैं, तोड़ फोड़ करके बहस चलाते हैं। 70,000 रुपए हर महीने के हिसाब से रंगदारी मांगी जाती है और अगर रंगदारी नहीं देते उसका अंजाम रखने की धमकी दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, घटना के बाद एडिशनल एसपी भिवाड़ी खुद मौके पर पहुंचे, बड़ी संख्या में जाप्ता पहुंचा है और सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाल लिए हैं। उसके आधार पर जो बदमाश है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बदमाशों के द्वारा जो जेल में बंद है बदमाश गज्जू उसकी गैंग के नाम पर ये रंगदारी मांगी जा रही है, लेकिन पुलिस अभी पूरे तार को जोड़कर दे रही है। क्या पुलिस गज्जू से जेल में जाकर भी पूछताछ करेगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन आसपास लोग डरे होंगे जिस तरीके से ये बदमाश पहुंचकर फायरिंग भी करते हैं, अब क्या सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी पीड़ित परिवार को, क्योंकि कहा गया है कि अगर पैसे नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा? जी, ये जो कॉलोनी है भिवाड़ी में कुछ औद्योगिक इलाका है, इस्माइल कॉलोनी, ये इस कॉलोनी का जो संचालक है इसके खुद के ही इस कॉलोनी में करीब जो मकान है जो कमरे रूप में बनाकर के किराए के रूप में देते हैं। ठीक है राजेंद्र, अब जरूरी है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और बदमाशों की गिरफ्तारी हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी मांगने की सूचना मिल रही है। एक डॉक्टर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए रंगदारी मांगी गई है। डॉक्टर ने जवाहर सर्किल पुलिस थाने में से लेकर शिकायत दर्ज करा दी है। रंगदारी मांगने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताया है। धमकीबाज ने कहा है कि कल दोपहर तक 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। जवाहर सर्किल थाना पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी भरा फोन कॉल आया है। व्हाट्सएप कॉल कर 50 लाख रुपए मांगे गए, कहा गया है कि कल तक 50 लाख रुपयों का इंतजाम कर लो, अंजाम भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पर धमकी भी दी गई है और डॉक्टर को ये फोन कॉल गया है। इससे पहले कई बार हमने आपको खबरें दिखाई हैं जहां पर व्यापारियों को फोन कॉल गए हैं, इस बार डॉक्टर को निशाना बनाया गया है, डॉक्टर को फोन कॉल किया गया है। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और कहा गया है कि पैसे नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। विष्णु, एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी भरा फोन कॉल, कहां तक पहुंच पाई है जांच? देखिए, जांच जो है अभी तक शुरू हुई है, क्योंकि जो मोबाइल नंबर जिन नंबरों से व्हाट्सएप पे कॉलिंग के जरिए डॉक्टर को धमकी दी गई थी वो नंबर सामने आया, लेकिन वो नंबर अभी तक बताया जा रहा है कि बाहर का है और वहीं पर पुलिस जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। लेकिन अब चूंकि लॉरेंस बिश्नोई तो खुद गुजरात पुलिस के रिमांड पर है, ऐसे में उसके नाम से कौन व्यक्ति धमकी देकर के रुपयों की 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है उसके बारे में जांच की जा रही है। लेकिन अभी राजस्थान में एक चलन जो शुरू हुआ है वो है कि लॉरेंस और उसके गुर्गो के नाम से उसके गैंगस्टर जो है बड़े नामी जो गैंगस्टर उनके नाम से जो धमकी देने का सिलसिला शुरू हुआ उसमें कई खुलासे ऐसे हुए जो कि आपसे रंजिश के थे, जिनमें लॉरेंस का नाम लिया गया, उनके जो बड़े जो हार्डकोर गैंगस्टर हैं उनका नाम लिया। तो पुलिस भी संभवतः इसी तरह का अभी पूरे मामले को देख रही है कि क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई या गैंग के वाकई में किसी सदस्य ने धमकी दी है या फिर कोई और धमकी दे रहा है। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि लॉरेंस एटीएस के कब्जे में है, गुजरात में है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बार बार लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी भरा फोन कॉल आ रहा है, ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द इन बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित परिवार की ओर से कोई बयान सामने आया, किसी से आपसी रंजिश का मामला हो सकता है जिसे लेकर यह धमकी भरा फोन कॉल पहुंचा हो? देखिए, पीड़ित परिवार की ओर से डॉक्टर की ओर से कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन ये जरूर है कि डॉक्टर जो है वो उनका परिवार एक बार सदमे में आ गया, दहशत में आ गया। लेकिन अब चूंकि लगातार जयपुर में इससे पहले भी धमकियां दी जा चुकी है, लेकिन आज तक पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि किसी को कुछ हुआ नहीं, तो वहीं पर डॉक्टर को पुलिस ने तरह से आश्वस्त किया है। जी बिल्कुल विष्णु, जरूरी है कि पीड़ित को सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एएसआई को अगवा करने के मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। गाड़ी में ले जाते समय एएसआई के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट कर एएसआई को मध्य प्रदेश की सीमा पर छोड़ा गया। मुरैना में देवपुरी बाबा मंदिर में एएसआई को छोड़ दिया गया। बदमाशों के खिलाफ निहालगंज थाने में अब मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। तो पहले पुलिस की ओर से औपचारिक पुष्टि इसे लेकर नहीं की जा रही थी, लेकिन अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस बदमाशों की तलाश में है। बताया जा रहा है कि पहले एएसआई का अपहरण किया गया, फिर गाड़ी में उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसे सुनसान जगह पर छोड़कर बदमाश फरार हो गए। एएसआई की ओर से अब इसे लेकर मामला भी दर्ज किया गया। पुलिस मामला दर्ज कर अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि एएसआई के साथ मारपीट के पीछे आखिर क्या वजह रही होगी। और अब खबर आपसे जुड़ी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर तीन तस्वीरें देखेंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर नर्सेस कर्मचारियों के हल्ला बोल की है। दरअसल प्रदेश भर से 30,000 से ज्यादा नर्सिंग कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में जुटे हैं और अपने हक को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर बिजली संकट से जुड़ी है। ये स्थिति बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल के चलते पैदा हुई है। तो वहीं तीसरी तस्वीर जल संकट से जुटी है। आज ये संकट जयपुर जिले में खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बात नर्सेस के सामूहिक अवकाश की करेंगे, जिसे लेकर फजीहत हो सकती है। मरीजों और तीमारदारों की भी कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है उनकी ओर से। आज नर्सेस कर्मी जयपुर में बड़ी रैली निकालेंगे। प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं भी लड़खड़ाएंगी। कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में 30,000 से ज्यादा नर्सेस कर्मचारी जुटेंगे। रामलीला मैदान में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से रामलीला मैदान तक रैली निकाली जाएगी। रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे सभा भी की जाएगी। केंद्र के समान वेतन, भत्ता, कैडर रिव्यू समेत कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेस की ओर से ये प्रदर्शन किया जाएगा। सामूहिक अवकाश है और कार्य बहिष्कार भी होगा। आज पूरे राजस्थान में नर्सेस का सामूहिक कार्य बहिष्कार होगा, जिसके चलते मरीजों की फजीहत बढ़ सकती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार नर्सेस कर्मियों की ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और आज इस प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र करने के लिए एक बड़ा ऐलान नर्सेस कर्मियों की ओर से किया गया था, जहां पर 30,000 से ज्यादा नर्सेस कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, सामूहिक अवकाश पर हैं। सीएल के लिए पहले ही आवेदन किया गया था और तभी से ये कहा जा रहा था कि मरीजों की आज फजीहत होने वाली, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश भर में सामूहिक हड़ताल आज किया जाना है। करौली से तस्वीरें दिखा रहे हैं, अजमेर से, अलवर से और झुंझुनू से, जहां पर कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेस कर्मचारियों की ओर से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज बड़ी संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांगों को लेकर मुखर होंगे। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रैली भी निकाली जाएगी। एक लंबे वक्त से इन मांगों को लेकर उनकी ओर से अपील की जा रही है। कई बार प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हो सकी हैं, जिसके चलते आज एक बड़ी रैली निकालने की तैयारी की जा रही है। तो सामूहिक कार्य बहिष्कार भी देखने को मिलेगा। प्रदेश भर में इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आज मरीज जब अस्पताल पहुंचेंगे तो उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। तो कुल 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिन्हें लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से रामलीला मैदान तक रैली निकाली जाएगी। सहयोगी महेश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या तस्वीरें वहां से, कौन कौन सी मांगे और किस तरीके से मरीजों की फजीहत होने वाली है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है? देखिए प्रियंका, कल जिस तरह से हमने बताया था कि आज राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्थाएं जो है वो लड़खड़ाएगी, और इसी वजह से क्योंकि आज जो नर्सेज का है सबसे बड़ा आंदोलन यहां पर राजधानी जयपुर में हो रहा है, जिसमें कि 30,000 से ज्यादा नर्सेज के जुटने का दावा है। तस्वीरें अल्बर्ट हॉल से देखिए आप, रैली के रूप में जो पहुंचने का सिलसिला है लगातार जारी है। रामलीला मैदान पर जा रहे हैं, रामलीला मैदान पर नर्सेज की आज बड़ी सभा होगी, और इस सभा से पहले आप तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है नर्सेज लगातार पहुंच रहे हैं, और ये मेडिकल कॉलेज से रवाना होकर के जो है यहाँ आप देखिए कि जैलन मार्ग से होकर के अल्बर्ट हॉल पर पहुंच रहे हैं, और ये नर्सेज
जो है इस समय में अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए एक एक करके रैली के रूप में, जत्थे के रूप में जो है यहाँ से पहुंच रहे हैं, जानने की कोशिश किस तरह से मैडम आज आप लोगों की मांगे। सर हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, हमारा हर हाल में हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आज तो हमें एक सामूहिक अवकाश दिया है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम कर्मचारी हित की सरकार है, लेकिन उन्होंने नर्सेज को कुछ भी नहीं दिया 4.5 साल के अंदर। तो हम फिर भी बोल रहे हैं कि आप जान जाइए सीएम साहब, आप बोलते थे मैं बहुत दूंगा, कर्मचारी मांगता मांगता थक जाएगा। नर्सेज अपनी सेवा के लिए जाना चाहते हैं, आज आप मरीजों को छोड़ करके सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज हम मजबूर हैं, हमें मजबूर किया गया है, नहीं हमें मजबूर किया गया है, इसलिए हम आज हड़ताल पर हैं, और जब तक हड़ताल पर रहेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? सर हम रामलीला मैदान जा रहे हैं। बोलिए आप कहाँ तक? सर हम रामलीला मैदान तक जा रहे हैं। क्या आपके आंदोलन की आज क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति ये है कि जगह जगह से बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो वहाँ पे बैठ के सफाई करेंगे। हमने काफी टाइम से, हमारे 38 डेज हो चुके हैं, हमने धरना प्रदर्शन कर रखा है, बट हमारी मांगों को कोई सुन नहीं रहा। सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है। आपकी मांगों पर खासतौर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कौन सी मांगे प्रमुख तौर? हम 96 दिन से सरकार का ध्यान आकर्षण करने हेतु, हमारी मांग पत्र पे विचार करने हेतु विभिन्न तरीकों से उनका ध्यान आकर्षण करना चाहा है, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मांग पत्र पे गंभीर नहीं है। इससे ये भी लगता है कि उनकी कथनी करनी में हमें अंतर महसूस हो रहा है, इसीलिए मजबूर होकर के राजस्थान की आज समस्त नर्सेज रोड पर उतरी है और फिर उनका ध्यान आकर्षण करना चाहती है। यदि आज भी ध्यान आकर्षण नहीं आज किया, आज की रैली के रूप में किस तरह का मैसेज है? आज की रैली के रूप में सरकार के सामने स्पष्ट मैसेज है कि नर्सेज की मांगों को सरकार बहुत बहुत लाइटली ले रही है, जबकि नर्सेज ने गांधीवादी तरीके से अपना पूरा आंदोलन आज तक चलाया है, और आज मजबूरन होकर सामूहिक अवकाश के रूप में नर्सेज जयपुर की सड़कों पर हैं। और यदि जयपुर में ही आंदोलन है या राजस्थान? नहीं, ये संपूर्ण राजस्थान की पीएससी, सीएससी, एड पोस्ट और पूरे राजस्थान भर में ये आंदोलन फैल चुका है। कितने लोग आज, कितने नर्सिंग कर्मचारी? हमारा कम से कम नहीं तो 90 से 95% राजस्थान के नर्सिंग कर्मचारी हैं, वो आज हड़ताल पर हैं, सामूहिक अवकाश पर हैं। एक बात मैडम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग सेवा के लिए जाने जाते हैं, मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं 24 घंटे, आज आप सड़कों पर उतर गए, पेशेंट को अपने हाल पर छोड़ दिया आप लोग ने। यही हमारी त्रासदी है कि हम पेशेंट को कभी अपने हाल पर नहीं छोड़ते, लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारे साथ बेरुखी का व्यवहार किया जा रहा है कि हमें इतना संवेदनशील होते हुए भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मैं पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से आई हूँ, तो आप जान सकते हैं कि ये केवल राजधानी के नर्सेज नहीं है, बल्कि दूर दराज भारत पाक बॉर्डर एरिया तक के भी नर्सेज यहाँ उपस्थित है। देखिए, ये बाड़मेर से आई है जो नर्सिंग कर्मचारी है, जिनसे हमने बात की है, इस तरह से कई अलग अलग जगहों से जो नर्सेज हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। एक सवाल पूछिएगा ये कि क्या ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, क्योंकि कुछ नर्सेज कह रही हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी काम पर नहीं लौटेंगे। एक दिन का अवकाश लिया या ऐसे ही चलने वाला है? अब देखिए प्रियंका, जानकारी देना चाहूंगा कि आज एक दिन के अवकाश की, सामूहिक अवकाश की घोषणा थी नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति है, जिसमें अलग अलग नर्सेज के संगठन है वो शामिल है, और प्रांतीय नर्सेज महारैली का जो नाम है वो इसे दिया गया है, और जो तमाम नर्सेज के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। और आज जो है जानने की कोशिश यही है कि आप लोगों का आगे का क्या रुख रहने वाला है? अगर आज हमारे प्रदेश व्यापी रैली है, राजस्थान के कोने कोने 256 ब्लॉक से और राजस्थान के 50 जिलों से आज नर्सेज आ रही है, अगर सरकार हमारी 4 बजे तक जो हमारी सभा हो रही है बुलावा नहीं आता और मांगे नहीं मानती है, तो हम कुछ समय का टाइम देकर 1 तारीख से परमानेंट हड़ताल की और रुख करेगी। आप परमानेंट हड़ताल की रुख कर देंगे तो पेशेंट का क्या होगा, जो पेशेंट आप लोग के भरोसे के कारण, विश्वास के कारण आप तक पहुंचता है सरकारी अस्पताल में, एक उम्मीद लेकर, एक विश्वास लेकर के आता है? महेश जी, आपको आपने देखा होगा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी में नर्सेज ने राज्य सरकार का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया और राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाने की और कंधे से कंधा मिलाया, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी को गांधीवादी तरीके से अपनी बात पहुंचाने के बावजूद मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंच रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं
कि मैं देते देते थक जाऊंगा, तुम मांगो। नर्सेज साढ़े चार साल से मांग रही है। कमी कहाँ रह गई है, कमी कहाँ रह गई? साढ़े चार साल से मांग रहे हैं आप। देखो अगर एक भी मांग पर विचार किया हो, हमारी गैर वित्तीय मांग है। आपने देखो ऐसी मांग है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कोविड में प्रोत्साहन राशि, मुख्यमंत्री ने कहा कर्मचारियों का वेतन केंद्र के समान, न तो वेतन केंद्र के समान दिया, कुछ नहीं दिया। तो हम जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वही मांग रहे हैं। उसके अलावा महिला जो नर्सेज कर्मचारी है वो अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे। मैडम आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप कहाँ से आए? अच्छा मैडम आप कहाँ से पहुँचे, यहाँ कौन से क्षेत्र से आए हो? जयपुर से आए हैं। आप कहाँ से पहुँचे? हम साइकेट्रिक सेंटर जयपुर से। अच्छा क्या बोलना चाहते हैं मैडम, आज की जो आपकी रैली है इसको आप कितना सफल मान रहे हैं, और दूसरा की क्या मैसेज आज जाने वाला है? सफलता का तो पता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार हमारी 11 सूत्रीय मांगों को माने। सबसे प्रमुख मांग कौन सी जिससे आप अफेक्ट हो रहे हैं, एक आम नर्सिंग कर्मचारी किससे अफेक्ट हो रहा है? सबसे ज्यादा हम ये चाहते हैं कि हमारा वेतन भत्ता जो है दिल्ली के समान हमारा किया जाए, काम हम उनके बराबर ही करते हैं, और समानता का अधिकार दिया जाए। ये पार्शलिटी जो है नर्सेज में राजस्थान और बाकी स्टेट्स में वो हम नहीं सकते। आप ऑन रोल कर्मचारी हैं जी? बिल्कुल। तो आप लोग को वेतन कम मिल रहा है? वेतन हमको केंद्रीय सरकार से बहुत ज्यादा कम मिल रहा है। आप काफी जानते हैं कि बहुत ही कम वेतन में भी नर्सेज काम कर रहे हैं, महज 10-10 हजार, 5-5 हजार। कोरोना COVID-19 का था सत्र, ऑन रोल कर्मचारियों को तो अच्छा वेतन मिल रहा है, उनके समान हमको बिल्कुल भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं अपनी की हमारी। क्या बोलना चाहते हैं सर आप कुछ? सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आज 38 दिन से हम लोग गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे हैं। हमारा कतई मकसद ये नहीं था कि राजस्थान की जनता परेशान हो, लेकिन यहाँ की अर्धविराम सरकार ने हमें ये आंदोलन मजबूर किया, हम लोगों को ये आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। आज पूरे राजस्थान में 95% से 97% लोग मास्क सेल पे हैं, और जब रामलीला मैदान में आप लोग मैं आपके पास आपका बड़ा दावा है, लेकिन ये जानने को मिल रहा है कि नर्सेज में तो गुटबाजी हो गई है, कई लोग तो पहुंचे नहीं आप लोग? किसी तरह की गुटबाजी नहीं है पत्रकार महोदय। राजस्थान की सड़कों पे आज जयपुर में राजस्थान की राजधानी में सारी नर्सेज 95% नर्सेज, बाकी कोई CCL पे है कोई मेडिकल पे है, उनको छोड़ के सारी नर्सेज आज सड़कों पे है। सारी नर्सेज सड़कों पर उतर गई है और पेशेंट को भगवान भरोसे छोड़ दिया। पेशेंट को देखो हम नहीं चाहते थे, गहलोत साहब से हमने खूब मांगा। गहलोत साहब ने भी आपको बहुत जो है ना अपील की कि आप अपना विरोध का आंदोलन का तरीका ऐसा रखिए, वो आपको आपकी बात सुने। पिछले 38 दिन से हमने वही गहलोत साहब के कहने पे, गहलोत साहब जो कहते हैं कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन को, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, मरीजों को संभाल रहे थे, और 38 दिन पहले हमने घोषणा कर दी थी कि हम सामूहिक मास सीएल पे चले जाएंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार हमारी मांगों पर कोई गंभीर नहीं है। गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन जब सरकार ने उनकी बातों को नहीं सुना तो आखिरकार नर्सेस कर्मियों को सड़कों पर उतरना पड़ा। और सिर्फ जयपुर में नहीं, पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर नर्सेस कर्मी सड़कों पर उतरे हुए हैं। महेश आप नजर बनाए रखिएगा, करौली से खबर सामने आ रही है जहां पर नर्सेस कर्मियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सामूहिक अवकाश पर नर्सेस कर्मी है, 500 से अधिक नर्सेस कर्मियों को आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जयपुर कूच कर रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज के लिए की गई व्यवस्थाएं, रेसिडेंट डॉक्टर CHA BSSC नर्सिंग छात्रों की ड्यूटी लगाई गई है, तो वैकल्पिक व्यवस्था जरूर कर ली गई है जिससे कि मरीजों को परेशानी ना आने पाए। नर्सिंग कर्मी जो है जयपुर पहुंच रहे हैं, घूमने कर रहे हैं 11 सूत्रीय मांग के संदर्भ में, और करौली जिले से जो है बसों से और निजी वाहनों से लगभग जो है 500 लोग जयपुर के लिए कूच कर रहे हैं। सभी ब्लॉकों से, करौली, हिंडौन, टोड़ा भीम, गुड़ाचंदी, सपोटरा, नादौती, सभी जगह से जो है कूच कर रहे हैं अपने 11 सूत्रीय मांग को मनवाने के लिए। और फिलहाल यहां रुके।